हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है डेंटल साउंड्स। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि डेंटल साउंड्स होता क्या है, डेंटल साउंड्स का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेंटल साउंड्स का मीनिंग बताती हूँ। डेंटल साउंड्स वो साउंड है जिसमें हमारी जीभ हमारे दांतों को छूती है और दांतों के छूने से जो आवाज निकलती है उसको हम डेंटल साउंड कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध और न। सबसे पहले हम बात करेंगे त साउंड के बारे में कि हम बच्चों को त साउंड कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं। त साउंड में आपको क्या करना है कि अपनी जीभ को दांतों से थोड़ा बाहर लेके आना है, फिर उसको दांतों से छूना है और थोड़ा सा मुंह खोलना है, उससे जो साउंड निकलेगी वो त की साउंड निकलेगी। मैं आपको त की साउंड प्रोड्यूस करके बताती हूँ। त त त त त। आपने इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप त बोलोगे तो आपका जीभ और दांतों के ऊपर प्रेशर होना चाहिए। अब हम इसके बाद बच्चों को सिखाते हैं द। त के बाद हम बच्चों को सिखाते हैं द। त और द में माउथ की पोजीशन सेम रहेगी, बस इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब हम त बोलते हैं तो हमारे जीभ और दांतों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, परंतु जब हम द बोलते हैं तो हमारे जीभ और दांतों के ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो आपने जब द बोलना है तो आराम से मुंह खोलना है, जीभ को वैसे ही दांतों से टच करना है जैसे हम त में करते हैं, फिर आपने द बोलना है। जैसे मैं आपको द की साउंड प्रोड्यूस करके बताती हूँ। द द द द। इसके बाद हम बच्चों को सिखाते हैं ध। द और ध में बस थोड़ा सा फर्क है, जब हम द बोलते हैं तो हमारा मुंह कम खुलता है, परंतु जब हम ध बोलते हैं तो हमारा मुंह ज्यादा खुलता है। जैसे मैं आपको ध की साउंड प्रोड्यूस करके बताती हूँ। ध ध ध ध ध। के बाद हम बच्चों को सिखाते हैं थ। थ में भी हमारे दांतों की पोजीशन त की तरह ही रहेगी। इसमें आपने बच्चों को बताना है कि जब आपने थ बोलना है तो आपने अपने दांतों के ऊपर प्रेशर देना है। जैसे मैं आपको थ की साउंड प्रोड्यूस करके बताती हूँ। थ थ थ थ। इससे क्या होगा कि जब हम थ के साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे मुंह से हवा निकलेगी और वो हमारे हाथ पे टच होगी। तो इससे बच्चे को क्लियर हो जाएगा कि जब हम थ बोलते हैं तो हम अपने दांतों के ऊपर प्रेशर देते हैं तो हमारे मुंह से हवा निकलती है। आप इस तरह भी बच्चों को थ की साउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। थ के बाद हम बच्चों को सिखाते हैं न। न में जो साउंड निकलती है वो हमारे नाक से निकलती है। आपने बच्चों को बताना है कि जब आपने न बोलना है तो आपका नाक वाइब्रेट होना चाहिए और आपके नाक से हवा निकलनी चाहिए। इसके लिए हम नाक पे उंगली रखेंगे। अब मैं आपको न की साउंड प्रोड्यूस करके बताती हूँ। न न न न। ओके, आप सभी पेरेंट्स ने बच्चों को घर में ये सभी डेंटल साउंड्स मिरर और फ्लैश कार्ड की हेल्प से प्रोड्यूस करवानी है। यह चीजें एकदम नहीं आती, जैसे जैसे आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाओगे वैसे वैसे बच्चों का उच्चारण साफ और अच्छा होता जाएगा। अगर आप यह सोच लें कि मैंने एक दिन बच्चों को डेंटल साउंड प्रोड्यूस करवा दी तो उसको आ गई, वैसा नहीं होता। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप डेली डेली बच्चों को इन साउंड की प्रैक्टिस करवाओ, तभी बच्चों की जो स्पीच है वो क्लियर और साफ होगी। ओके, थैंक यू, बाय।